दोस्तों टारगेट इलेक्ट्रिशियन परिवार में आज 50,000 सदस्य जुड़ चुके हैं। यह परिवार 50,000 लोगों से पूरी तरह से भरा पूरा और समृद्ध खुशहाल है। यह दोस्तों परिवार आप ही लोगों के सहयोग और आप ही लोगों के प्रयास से बन पाया है। मेरा इसमें कोई भी योगदान उतना नहीं है जितना आप लोगों का है, इसलिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके पूरी विनम्रता के साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस टारगेट इलेक्ट्रिशियन जो चैनल है इसको इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। दोस्तों आगे भी टारगेट इलेक्ट्रिशियन परिवार में ऐसे ही बेहतरीन और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो में लाता रहूंगा। काफ़ी कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ ये 50,000 सदस्यों का यह जो सफ़र था वो पूरा हुआ और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफ़र अनवरत चलता रहेगा। न्यूमेरिकल की कड़ी में ये अगला वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरके श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रिशियन। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, तीन माइक्रोफैरड संधारित्र श्रेणी में है, इस श्रेणी व्यवस्था के साथ एक 6 माइक्रोफैरड संधारित्र पैरेलल मतलब पार्श्व में है, इस संयोजन की कुल धारिता पूछ रहा है। यह प्रश्न दोस्तों डीआरडीओ 2010 में पूछा गया प्रश्न था। इसके ऑप्शन थे 7 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, 3.6 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको हम एक चित्र से भी समझ लेते हैं। देखिए ये एक कैपेसिटर हमारा है, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है और ये हमारा तीसरा कैपेसिटर है, ठीक है। ये ऐसे और ये एक कैपेसिटर और है, ये ऐसे जोड़ देंगे तो ये 3 माइक्रोफैरड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड। देखिए 3 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है तो 3 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हो गए। उसके बाद 6 माइक्रोफैरड एक पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो ये हो गया, ठीक है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र को जोड़ने पर, ठीक है, तो हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। तो इसी के तरह है, अब हम इसको हम जब जोड़ेंगे वाइज दैट तो देखिए 1/3 + 1/3 + 1/3, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 + 3 = 1 + 3 + 3 = 1 = 1 + 1 = 1 = 2 1 2 3 3 / 3 = ये पलट देंगे तो 3/3 ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा C = 1 माइक्रोफैरड। अब हम देखते हैं कि देखिए इन तीनों को जोड़ करके तो 1 माइक्रोफैरड बन गया, तो मतलब अब हमारा फिगर जो है वो कुछ इस तरह का फिगर हमारा हो गया है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह का हमारा फिगर हो गया है, ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हो गया और ये 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब इनको हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये ए है दोस्तों, ये बी, ठीक है। तो ए तथा बी के बीच कुल धारिता, ए तथा बी के बीच कुल धारिता तो = हो जाएगा C = 1 + 6, ठीक है। 1 + मतलब फार्मूला होता है C = C1 + C2 + C3, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी कारण से C =
वन प्लस सिक्स, ठीक है, तो इजिकल टू हो जाएगा 7 माइक्रो फैराड, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है हमारा। 7 माइक्रो फैराड हमारा आंसर आया है, और 7 माइक्रो फैराड कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा ए सही है, 7 माइक्रो फैराड। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 माइक्रो फैराड, 20 माइक्रो फैराड और 40 माइक्रो फैराड के समांतर में जुड़े संधारित्र 100 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हैं, संधारित्रों में संचित कुल आवेश। यह प्रश्न दोस्तों MPPCL 2015 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन थे 5.9 × 10⁻³, 4 × 10⁻³ और 7 × 10⁻³ और 14 × 10⁻³। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सारे कैपेसिटर हमारे समांतर में जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं हमारे हमें दिया क्या क्या गया है। C1 इज इक्वल टू दिया गया है 10 माइक्रोफेरड, C2 इज इक्वल टू दिया गया है 20 माइक्रोफेरड और C3 इज इक्वल टू दिया गया है 40 माइक्रोफेरड और वोल्टेज कितना दिया गया है 100 वोल्ट। ये देखिए, अब चूंकि समांतर में सब जुड़े हुए हैं, इसलिए फॉर्मूला जो हमारा बनता है C=C1+C2+C3, ये फार्मूला हमारा है। अब इस फार्मूले पे हम इसी मान को रख देंगे, तो C1 का मान कितना हमें है 10 प्लस 20 प्लस 40, ये 40 माइक्रोफेरड इज इक्वल टू 40 20 60 10 70 माइक्रोफेरड। ठीक है, तो ये देख लीजिए, 1 माइक्रोफेरड इज इक्वल टू होता है 0.00000, मतलब 5 जीरो और 1, ये फेरड होता है। तो 70 माइक्रोफेरड इज इक्वल टू हो जाएगा 70 × 10.00001। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 70 × 10⁻¹, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 6 फैराड, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो हम इस सी इज इक्वल टू लिख देंगे 70 × 10⁻¹ - 6 फैराड। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या है वो देख लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, तो अब देखिए सी का मान कितना निकला है 70 × 10⁻¹ - 6 इंटू वी, वी का मान हमारा निकला है 100 वोल्ट। तो अब हम लिख सकते हैं 70 × 10⁻¹ - 6 इंटू 100 को लिख सकते हैं 10⁻², मतलब 10 × 10⁻¹⁰। अब हम क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए 70 × 10⁻¹ - 6 में ये प्लस 10⁻², घटा देंगे तो हो जाएगा 10⁻²-4, क्योंकि ये प्लस 2 है, ये माइनस 6 है, ये बड़ा है, इसलिए घटेगा तो प्लस 4, मतलब माइनस 4 ही बचेगा, 2 घट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 7, अब देखिए एक जीरो लगा हुआ है, ये प्लस का एक जीरो है, ये इधर घटेगा तो हो जाएगा 7 × 10⁻¹-3, एक इधर घट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा, एक यहां घट जाएगा, तो Q इज इक्वल टू ये हो गया कूलाम, और यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, 7 × 10⁻¹-3, तो देखिए 7 × 10⁻¹-3 ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र में 3 माइक्रोफेरड के संधारित्र पर आवेश होगा। ठीक है, यह प्रश्न UBPCL 2013 में पूछा गया था। देखिए ये 3 संधारित्र लगे हुए हैं, 2 माइक्रोफेरड 3 और 6 माइक्रोफेरड का, और वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट। ठीक है, तो 3 माइक्रोफेरड मतलब इस वाले संधारित्र पर पूछ रहा है आवेश। ठीक है, तो इसके ऑप्शन थे
5 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो सबसे पहले देखिए वोल्टेज जो हमें दिया गया है वो 10 वोल्ट दिया गया है। यह देखिए 10 वोल्ट हमें दिया गया है वोल्टेज। तो देखिए 1/C = देखिए क्योंकि सब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अभी यही चीज अगर रेजिस्टेंस होती तो सीधे सीधे 2, 3 और 6 जोड़ लेते, क्योंकि यह कैपेसिटर है इसलिए 1/ हो जाएगा। दोनों जस्ट एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऐसा संख्या लेना चाहिए जो इन तीन ये तीनों उनको काट दें। तो 6 होगा तो 3 भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2 प्लस 6 × 6 = 1 = 1 = 2 3 × 2 = 5 = 6/6। इसको पलट देंगे 6/6 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, = हो जाएगा 1 μF। ठीक है, ये आ गया। अब फार्मूला हमारा होता है Q = C × V। तो अब देखिए C कुल मतलब कितना आया है हमारा, C का मान कितना आया है 1 × V, V का मान हमारा है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट लिख देंगे तो = 10 × 10 μC। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शन कौन सा सही है। 10 μC तो मतलब ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे 3 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कभी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो सीधे इस चैनल पर आकर के आराम से क्वेश्चंस को देख लें और समझ जाएं, ताकि वो एग्जाम में कभी भी उनको प्रॉब्लम ना आए न्यूमेरिकल में। और दोस्तों स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन के बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। उससे फायदा यह होगा कि इस चैनल पर रोज एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड की जाती है, जिसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।